नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप में से कितने दोस्त मेरे ऊपर बिलीव करते हैं और कितने नहीं, यह 1% भी मैटर नहीं करता। लेकिन लेकिन आज 200% यह बात मैटर करेगी कि आज की वीडियो को बिना दम तोड़े पूरे जोश और होश के साथ में कौन लास्ट तक देखेगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आज की वीडियो लॉन्ग टर्म वीडियो का भी बाप वीडियो होगा। सिर्फ एक बात दिमाग में बिठा लीजिए, मैं आपको बिटकॉइन के बारे में जो बात बताने जा रहा हूं उसके होने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम से भी मैक्सिमम होगी और यही चीज आपको अंदर तक हिलाकर रख देगी। कोई भी बात नहीं तो व्यूज के लिए कर रहा हूं, नहीं लाइक के लिए कर रहा हूं। जो कुछ बताऊंगा उसका सबसे बड़ा प्रूफ दूंगा। यूं ही बकवास में इस वीडियो को 1% हल्के में मत लेना। और अगर आपके पास में इथेरियम मैटिक कॉइन है ना, तो इस वीडियो को चाहकर भी छोड़ना मत। लगे हाथ मैं आपको दो उन चाइनीज कॉइन के बारे में बताने वाला हूं जिनमें आग लगने वाली है और जब लगेगी तब वो रॉकेट इस लेवल पर बनेंगे जो आपने सोचा नहीं होगा। आगे आप सबकी मर्जी। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यदि आपको वीडियो पूरा देखने के बाद में रत्ती भर भी पसंद आ जाए ना, तो दिल से एक लाइक जरूर दीजिएगा। दोस्तों सबके सब कमर कस लीजिए क्योंकि हम जानने जा रहे हैं 2023 के सबसे बड़े बिटकॉइन गेम प्लान के बारे में। अभी मैंने बिटकॉइन का चार्ट ओपन कर रखा है मंथली टाइम फ्रेम पर। मंथली टाइम फ्रेम पर मेरे भाई कैंडल क्लोजिंग हो चुकी है। सबसे पहले इस कैंडल की क्लोजिंग को लेकर बात करते हैं। इस कैंडल की क्लोजिंग जो हुई है वो बहुत बहुत अच्छी हुई है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इस कैंडल से ऊपर क्लोजिंग, साथ ही में यहां पर देखिए इन सारी कैंडल की विक से इस कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग दी है, जो कि हमारे को बताता है कि बिटकॉइन शॉर्ट टर्म में और ज्यादा बुलिश देखने को मिल सकता है। अब इस बात का कंफर्मेशन हम एक एक करके दो तीन चीजों से करते हैं। देखिए सबसे पहली बात जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है और इस टाइम पर सबसे ज्यादा यूनिक देखने को मिल रही है बिटकॉइन के अंदर, वो है यहां पर मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। और मेरे भाई 2023 में सिर्फ इससे पहले एक बार यहां पर यह देखो मिला था। मेरे भाई यहां पर उस टाइम पर जब मैंने यह बात बताई थी तब फ्रेंड्स यहां पर जनवरी एंड हो चुका था, फरवरी का मंथ चल रहा था और मैंने लगे हाथ ही यह बताया था कि इस फरवरी में एक गेम होना तय है। फरवरी अगर देखें तो यहां पर बुलिश होता है बिटकॉइन के लिए मैक्सिमम चांस के अंदर, लेकिन इसमें गेम होना तय है और इसमें गेम हुआ। यहां से यहां तक टोटल इसके अंदर 7.66% का एक जबरदस्त डाउनफॉल देखने को मिला। उसके बाद में यहां पर इसने बहुत अच्छे तरीके से काम किया था और फर्दर बिटकॉइन की प्राइस हमारे को लगभग $30,000 के आसपास देखने को मिली थी। अब सेम यहां पर यह जो चीज है वो यहां देखने को मिल रही है और इसके अकॉर्डिंग मेरे भाई जो नेक्स्ट मंथ है यानी कि नवंबर स्टार्ट हो चुका है, नवंबर बिटकॉइन के लिए मैक्सिमम चांस के अंदर पॉजिटिव रहा है जिस प्रकार से फरवरी था। लेकिन लेकिन यहां पर जो गेम हुआ था ठीक वो गेम यहां पर हो सकता है। तो मेरे भाई यदि मैं सिर्फ इसी चीज को फॉलो करता हूं तो यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि इस कैंडल के अंदर बिटकॉइन की प्राइस हमारे को यहां पर 7.80% के डंप के साथ में $30,000 से $32,000 के जोन में देखने को मिल सकती है। और यहीं पर ही हम यहां पर बिटकॉइन में रिटेस्ट के तौर पर 30% अमाउंट लगाएंगे इस मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक बुलिश चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग अगले प्रॉफिट के लिए। क्या इतना ही जानना जरूरी है? नहीं मेरे भाई, यहां पर ये जो बन रहा है इसका कंफर्मेशन एक और चीज दे रही है। इस चीज के बारे में नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम के माध्यम से बताऊंगा। अब मेरे भाई यहां पर और लेवल की बात जाने की आवश्यकता है। जैसे यहां पर ये बुलिश चीज देखने को मिली थी, इसका टारगेट ये था, तो यहां पर इस बुलिश चीज का टारगेट क्या है? इस बुलिश चीज का टारगेट मैक्सिमम मेरे अकॉर्डिंग ये है। लेकिन लेकिन हम यहां पर इस चीज में बुलिश कितना परसेंट अभी है और कितना परसेंट बाद में होंगे इस बात को भी समझ लीजिए। मेरे भाई अभी यहां पर ये जो चीज देखने को मिली है इसमें सिर्फ मैं 40% बुलिश हूं, 60% अभी भी मेरे पास बचा हुआ है। वो इसलिए क्योंकि जब तक वीकली टाइम फ्रेम पर $36,000 से ऊपर मिनिमम दो कैंडल क्लोजिंग नहीं होती है तब तक मेरे भाई मैं सिर्फ 40% ही बुलिश रहूंगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो ऐसे में 100% में बुलिश हो जाऊंगा, यानी कि बिटकॉइन की प्राइस इस जोन में जाने वाली है। तो मेरे भाई सबके सब कमर कस लीजिए, 30% ट्रेड अमाउंट हम यहां पर लगा सकते हैं यहां तक के लिए। तो यह था बिटकॉइन का सबसे पावरफुल खतरनाक अपडेट। अब एक और बात जो कह रहा हूं वो ध्यान से
समझ लीजिए, यहां पर आज है एफओएमसी की मीटिंग और यही एफओएमसी की मीटिंग फ्रेंड्स क्रिप्टो बिटकॉइन स्टॉक मार्केट सबको आज के लिए हिलाकर रख सकती है। भले वो पॉजिटिव हो सकता है, भले वो नेगेटिव हो सकता है, लेकिन आज आपको टेलीग्राम में सबसे ज्यादा एक्टिव रहना है। अब हमारे को छोटे टाइम फ्रेम पर बिटकॉइन में किस प्रकार से ट्रेड लेना है, इसके लिए मैं दूसरा चार्ट ओपन करना चाहूंगा। अब मैंने बिटकॉइन का चार्ट ओपन कर रखा 4 आवर के टाइम फ्रेम पर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बिटकॉइन के बारे में यह बात बताई थी कि बिटकॉइन में हमारे को एक जबरदस्त बुलिश सिग्नल तो यह देखने को मिल रहा है, दूसरा बुलिश सिग्नल हमारे को इस प्रकार से यह देखने को मिल रहा है। अब मैंने यहां पर कुछ चेंज किया है, उसको जानना जरूरी है। पहली बात, यहां पर यदि है इसका ब्रेकआउट करता है और ब्रेकआउट के बाद में अच्छा खासा रिटेस्ट करने के लिए यहां पर आता है, तो ऐसे में मैं लोगों की ट्रेड लूंगा, उस ट्रेड का थोड़ा सा पार्ट मैं यहां पर निकाल लूंगा। अब यहां पर एक बैठा हुआ है बहुत बड़ा रेजिस्टेंस 4 आवर के टाइम फ्रेम पर, देन यहां पर इसका ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करने के लिए आता है ना, तब आप ट्रेड ले सकते हैं, इस ट्रेड को होल्ड रख सकते हैं और यहां तक आप इसको होल्ड रख सकते हैं, यहां पर रख सकते हैं, यहां पर रख सकते हैं। अब मेरे भाई यहां पर देखिए, इसके आसपास एक बहुत तगड़ा सा सपोर्ट मिल रहा है इसको, इसे सपोर्ट का यदि ब्रेकडाउन करता है, जिसका कंफर्मेशन आप यहां पर चीजें देख सकते हैं, तो मेरे भाई उसके अकॉर्डिंग यह सबसे पहले हमारे को इस जोन में देखने को मिलेगा। यहां पर आते ही अब मैं बिटकॉइन के अंदर जो ट्रेड लूंगा उसका 30% अमाउंट लगाऊंगा, लेकिन कैंडल की भी यदि मुझे इस जोन में देखने को मिली ना, तो यहां पर मैं बाकी बचा 30% अमाउंट लगाने वाला हूं। अब हम बात करते हैं मैटिक कॉइन को लेकर। सबसे पहले तो अपनी आंखें खोलकर जो मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूं उस प्रूफ को देख लीजिए कि लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको मैटिक के बारे में क्या बोला था और अब क्या हो रहा है। मान लीजिए जहां प्राइस अभी वहां से नीचे आती है, आज मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है, यदि कैंडल की विक आपको इस जोन के बीच में या इससे नीचे देखने को मिल जाएगा तो भी यहां से आप इसको पकड़ सकते हैं। तो आपने प्रूफ देखा, मैंने आपको साफ साफ यहां पर कुछ बुलिश चीजों के बारे में बताया था, लेकिन मैंने आपको यह बताया था कि यहां पर एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। यदि यहां से मैटिक की प्राइस नीचे आती है, इस जोन के बीच में देखने को मिलती है, देखिए इस जोन के बीच में ही देखने को मिली, तो यहां से आप मैटिक को उठा सकते हैं। जिसने मैटिक को यहां से उठाया, यहां तक टोटल उसको यहां 9.15% का जबरदस्त लाजवाब प्रॉफिट हुआ। आपने ईमानदारी के साथ में वीडियो देखा, फ्रेंड्स आंखें बंद मत करिए, क्योंकि आंखें बंद करने से कुछ नहीं मिलेगा, जो हो रहा है वो आप सभी के सामने प्रूफ के साथ हो रहा है। अब मेरे भाई यहां पर जो बात कहने जा रहा हूं उसको जो कहते हो दिमाग में बिठा लीजिएगा। यहां पर यह चार्ट आप देख रहे हो डेली टाइम फ्रेम का है, डेली टाइम फ्रेम पर इस जबरदस्त जोन से नीचे मैटिक के अंदर हमारे को इस प्रकार से एक राउंडिंग बॉटम चार्ट पर और यहां पर यदि आप माने तो कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है। एक मैं आपको जबरदस्त बात बताता हूं जो कोई बताएगा नहीं, राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न के अंदर यदि फ्रेंड्स हमारे को इस प्रकार से छोटा सा कप का हैंडल देखने को मिल जाए ना, तो फ्रेंड्स समझ लीजिएगा यह बहुत बुलिश तरीके से काम कर सकता है। पर इस प्रकार से एक बुलिश चीज के अंदर जो मैटिक की प्राइस है वो लगातार मूव कर रही है, यही पर इसका सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है। इसका ब्रेकआउट होते ही मैटिक हमारे को यहां तक मैक्सिमम बहुत इजीली देखने को मिल सकता है। तो अभी आपको क्या करना है, यहां पर आपने जो एंट्री बनाई थी, हो सकता है आप दोबारा वो एंट्री ना बना पाए, तो यहां जो एंट्री बनाई उसका 40% प्रॉफिट आप बुक कर लीजिए, 60% ट्रेड को आप होल्ड रखिए फर्दर ऊपर जाने के लिए। पर इसका ब्रेकआउट होता है, रिटेस्ट करने के लिए वापस आता है, तो यहां से भी आप फ्रेंड्स मैटिक के अंदर एक ट्रेड ले सकते हैं। छोटे टाइम फ्रेम पर मैटिक के अंदर ट्रेड किस प्रकार से लेनी है, इसके लिए दूसरा चार्ट ओपन करना चाहूंगा। अब मैंने मैटिक का चार्ट ओपन कर रखा है 4 आवर के टाइम फ्रेम पर। 4 आवर के टाइम फ्रेम पर मैटिक के अंदर इस प्रकार से हमारे को एक जबरदस्त बुलिश फ्लैग चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है, तो यदि यहां से ही ये थोड़ा सा नीचे आता है ना मेरे भाई, यहां पर आपको मिल जाए ना, तो यहां पर आप बेस्ट 30% अमाउंट से बाइंग बना सकते हैं। एक मौका छूट गया है, यह पकड़ सकते हैं। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर जैसे इसका ब्रेकआउट करेगा रिटेस्ट करने के लिए आएगा, यहां से आप इसके अंदर फ्यूचर्स में ट्रेड ले सकते हैं। यह ट्रेड मैं लूंगा, किसको फोर्स नहीं कर रहा हूं, इस ट्रेड का थोड़ा सा पार्ट यहां तक होल्ड रखूंगा, थोड़ा सा यहां तक, थोड़ा सा यहां तक। हम बात करते हैं इथेरियम को लेकर। इसका चार्ट मैंने 4 आवर के टाइम फ्रेम पर ओपन कर रखा है। सबसे पहली और जरूरी बात, जितने भी ओल्ड कॉइन है, इन सारे ओल्ड कॉइन्स में इथेरियम की रैली आग लगा सकती है, होश उड़ा सकती है, क्योंकि इथेरियम सबसे बड़ा कॉइन है और यही जो इथेरियम की रैली होगी वो आगे ओल्ड कॉइन्स जबरदस्त तरीके से फॉलो करेंगे। अब यहां पर 4 आवर के टाइम फ्रेम पर इसके अंदर हमारे को इस प्रकार से एक जबरदस्त बुलिश फ्लैग देखने को मिल रहा है, लेकिन इसी बुलिश फ्लैग के अंदर हमारे को एक डिसेंडिंग ट्रायंगल देखने को मिल रहा है, तो यदि हम इसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो हमारे को इथेरियम की प्राइस यहां पर देखने को मिल सकती है एक बड़े रिजेक्शन के बाद में। अब मेरे भाई यहां पर आए ना, तब आप इथेरियम के अंदर 40% अमाउंट लगा सकते हैं, बाकी बचा 60% अमाउंट आप इस जोन में लगा सकते हैं। आने की उम्मीद बहुत कम है, लेकिन फ्रेंड्स अगर आ जाए तो सुपर एंट्री होगी। अब यहां पर देखिए एक जबरदस्त रेजिस्टेंस मिल रहा है, मान लीजिए इसका ये ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करने के लिए आता है, देन यहां पर सपोर्ट बनाएगा, सपोर्ट बनाकर यह जाएगा इस नेक्स्ट रेजिस्टेंस के आसपास, तो यहां पर मैं एंट्री लूंगा इसके अंदर, देन फ्रेंड्स यहां पर मैं इसको होल्ड रखूंगा, यहां तक होल्ड रखूंगा, और एक बार यदि इथेरियम $2,000 से ऊपर जाकर सपोर्ट बना लिया, वीकली टाइम फ्रेम पर कैंडल क्लोजिंग दे दिया, देन यही सारी चीजें ओल्ड कॉइंस के अंदर 30% 40% तक देखने को मिलेगी। बात करते हैं एक सुपर लेवल के चाइनीज कॉइन को लेकर, जिस
जिसमें आग लग सकती है। इसके बारे में ऑलरेडी पहले भी बहुत बार बात कर चुका हूं। इसका नेम है CFX। 4 आवर के टाइम फ्रेम पर इसके अंदर हमारे को इस प्रकार से एक जबरदस्त पावरफुल असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पर देखने को मिल रहा है, और इसका कंफर्मेशन डेली टाइम फ्रेम पर, वीकली टाइम फ्रेम पर, मंथली टाइम फ्रेम पर भी देखने को मिल रहा है। यहां पर यह इसका ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करने के लिए आएगा। देन फ्रेंड्स, यहां से आप इसके अंदर एक लॉन्ग की ट्रेड ले सकते हैं। इस ट्रेड का थोड़ा सा पार्ट यहां तक, थोड़ा सा यहां तक, थोड़ा सा यहां तक होल्ड कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए, जैसे ये नीचे आ रहा है, आने दीजिए, यदि यहां पर इस जोन के बीच में या इसके आसपास भी कैंडल की विक देखने को मिली, तो ऐसे में भी मैं इसके अंदर दूसरी ट्रेड लूंगा, दो ट्रेड। तीसरी बात जो मैं करने जा रहा हूं, जहां कहीं प्राइस चल रही है वहां पर इसके अंदर मैं सिर्फ 20% अमाउंट लगा रहा हूं स्पॉट की बाइंग के लिए, और यदि यहां से ऊपर जाता है तो मैं इसी को ही यहां तक होल्ड करने वाला हूं। अब हम बात करते हैं आज की वीडियो के सेकंड एक्स्ट्रा सुपर ट्रेड को लेकर। उस कॉइन का नाम है ओपी कॉइन, जिसने पूरे बियर मार्केट में अपनी स्थिति को बहुत मजबूत तरीके से होल्ड किया, और इसका चार्ट मैंने डेली टाइम फ्रेम पर ओपन कर रखा है। जो बता रहा हूं उसको दिमाग में बिठा लीजिएगा। यहां पर ओपी के अंदर एक बहुत बड़ा अप ट्रेंड देखने को मिला, उसके बाद में एक बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड देखने को मिला, और एक रेजिस्टेंस से नीचे ओपी ने इस प्रकार से एक एडम एंड ईव चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन किया, यहां पर साइडवेज मूव किया, देन इसके अंदर हमारे को एक भयंकर रैली देखने को मिली। मेरे भाई यहां पर यह जो हुआ ना, सेम यहां पर हो रहा है। देखिए यहां पर एक बहुत बड़ा अप ट्रेंड, उसके बाद में एक बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड, और एक रेजिस्टेंस से नीचे इसके अंदर फ्रेंड्स एडम हमारे को देखने को मिल चुका है, यहां पर इव बनने जा रहा है। यदि यहां पर फ्रेंड्स इसी के अकॉर्डिंग सारी चीजें होती है, तो इस रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट करते ही यहां पर ओपी की प्राइस देखने को मिलेगी। तो यहां पर जैसे इसका ब्रेकआउट करेगा, रिटेस्ट करने के लिए आएगा, फर्दर यहां से मैं इसको पकड़ने वाला हूं, इस ट्रेड का थोड़ा सा पार्ट यहां तक, थोड़ा सा यहां तक होल्ड करने वाला हूं। फिर आगे होगा असली गेम अप ट्रेंड का, और यह अप ट्रेंड यहां तक जारी रह सकता है। अब यहां पर सबसे जबरदस्त बात जानने की, 1, 2, 3 ट्रिपल बॉटम बन चुके हैं। अब मेरे भाई यहां पर देखिए, जहां प्राइस चल रही है ना 1.3888 के आसपास, वहां पर मैं इसके अंदर स्पॉट में 30% अमाउंट लगाने वाला हूं। यह स्पॉट की ट्रेड है, और मेरे भाई बाकी बचा अमाउंट यदि मुझे यह किसी भी कंडीशन में इस लेवल के आसपास देखने को मिल गया, तो यहां पर 70% अमाउंट में स्पॉट की ट्रेड का लगाऊंगा, और उस स्पॉट की ट्रेड को मैं फ्रेंड्स इस एडम एंड इन चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग यहां तक होल्ड करने वाला हूं। मैं अभी ओपी को लेकर बुलिश हूं, लेकिन मैंने अगर आपको ये सारी बातें बताई है, तो कतई 1% भी मतलब इस बात का नहीं है कि आंखें बंद करके जहां कुछ बता रहा हूं वहीं पर सब कुछ डाल दिया, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम पर बिटकॉइन में क्या हो सकता है वो सारी बात मैंने आपको जबरदस्त लेवल के प्रूफ के साथ में सबसे यूनिक तरीके से बताई है। तो मेरे भाई अब तो मैं इस बात की उम्मीद करता हूं कि अगर आपको इतना सारा नॉलेज मिल रहा है, आप डेली अर्निंग कर रहे हैं, तो मेरे भाई फिर इस वीडियो पर एक लाइक देने में मुझे लगता है कि अब आपको सोचने की जरूरत नहीं है। ईमानदारी के साथ में अगर आपके पास में दिल है ना, तो पूरी मेहनत के लिए एक लाइक कर सकते हैं, कर दीजिए। फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।